चल इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है हिमाचल उपचुनाव से जुड़ी। तो हिमाचल उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। विक्रमादित्य सिंह दिल्ली रवाना हुए हैं। बड़ी खबर हिमाचल उपचुनाव से जुड़ी आपको बता दें, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे विक्रमादित्य। ये बड़ी खबर है हिमाचल उपचुनाव को लेकर। राजीव शुक्ला से भी मुलाकात होगी विक्रमादित्य की। बड़ी खबर आपको बता दें, माता प्रतिभा सिंह को टिकट मिलना लगभग तय है। विक्रमादित्य दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। हमारे साथ महिमा सिंह कंवर जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। महिमा, चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, राजनीतिक हलचल वैसे वैसे तेज होती जा रही है। ताजा अपडेट्स इस खबर पर मैं चाहूंगा विस्तार से आप दें। विक्रमादित्य सिंह का ये दिल्ली दौरा कितना अहम है हिमाचल उपचुनाव को लेकर, बताएं। वैभव, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सियासी हलचल बढ़ चुकी है हिमाचल प्रदेश में। देखिए, हाल ही में कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी और समिति में जो है नाम लगभग यहां पर तैयार किए गए हैं और इसको लेकर के आलाकमान को अब नाम भेजे जा चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। और ये नाम लेकर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सह प्रभारी और उनके साथ साथ राठौर भी गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर ये है कि मंडी संसदीय सीट के टिकट को लेकर मचे घमासान के बीच विक्रमादित्य सिंह अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कहा जरा वैभव की पार्टी हाईकमान ने उनको दिल्ली बुलाया है और वो चंडीगढ़ से निकले थे सड़क मार्ग के जरिए और आपको बता दें कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, इस दौरे के दौरान दिल्ली में उनका पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात उनकी होने वाली है। कार्यक्रम मुलाकात का है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात को लेकर भोले लॉज, जो कि उनका निजी आवास है, वहां पर जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। वैभव, महिमा कितना इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 30 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, आज 3 अक्टूबर है, 27 दिन का वक्त बचा है, नामों का ऐलान होगा, उन चेहरों को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा, यानी समय बहुत कम है, कितना इंतजार और कांग्रेस खेमे से? देखिए, कांग्रेस की तरफ से जानकारी मिल पा रही कि 2 से 3 दिन में, महज 2 से 3 दिन में उम्मीदवारों का यहाँ पर ऐलान हो जाएगा कि कौन कौन प्रत्याशी किस किस सीट से लड़ेंगे। लेकिन देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो जानकारी मिल पा रही है कि 6 से 7 अक्टूबर तक यहाँ पर ऐलान होगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर ही प्रत्याशियों का जो नाम है उनके बारे में बता दिया जाएगा। मैम, प्रदेश कांग्रेस कितना तैयार है इस उपचुनाव को लेकर? देखिए वैभव, इसी को लेकर सियासी बयानबाजियां यहाँ पर तेज हो चुकी है। दोनों की दोनों सरकार, सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी, दोनों की तरफ से यही कहा जा रहा है क्योंकि देखिए सेमीफाइनल मैच है और दोनों ही ये कह रहे हैं कि सेमीफाइनल में होगी तो कांग्रेस की जीत और बीजेपी भी कह रहे हैं कि चारों की चारों सीट पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। महिमा, ये 4 सीटें कहीं ना कहीं से जरूर तय करेंगी कि क्या कुछ स्थितियां राजनीतिक हैं प्रदेश भर के अंदर, क्योंकि 4 सीटें बहुत जरूरी हैं, 1 लोकसभा की 3 विधानसभा की सीटें। आपने बिल्कुल सही कहा, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा की सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए सेमीफाइनल मैच है, कहीं ना कहीं उपचुनाव है और महज 1 साल बचा है, अगले साल 2022 में ही फाइनल मैच होना है और ये फाइनल मैच जो है इसी को लेकर तैयारियां अभी से ही यहां पर दोनों पार्टियों की तरफ से शुरू की जा चुकी है। हालांकि देखिए वैभव, ये भी कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि 68 की 68 विधानसभा। चल मैम, आप लगातार इस दिल्ली दौरे पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।